हेलो फ्रेंड्स, इसके क्यूलिनरी आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी, कुंजी पथरी, जो नॉर्थ केरला का फेमस ब्रेकफास्ट है। इसे गोली इडली या मसाला राइस बॉल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और जो लोग चैनल पर नहीं आए हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने चटनी के लिए आधा कप सिंगदाना लिया है और आधा कप चना लिया है। इसका छिलका बिना छिलका वाला है, ऐसी मिलता है बाज़ार में। इसको अभी मिक्सी में इसको पाउडर बनाना है। पहले दोनों को मिक्स करके इसको ग्राइंड करना है, फाइन पाउडर बनाना। पहले देखिए, ऐसी पाउडर बना लिया है। अभी ये दो टमाटर काट के दिया है, छोटा टमाटर लिया दो। इसको भी मिक्सी में पीसना है। और लहसुन लिया है, उसको भी अच्छा से रोस्ट कर लिया है, सेक लिया। और तीन रेड चिली लिया। देखिए चटनी तैयार है, पूरा सब मिक्स कर दिया है और नमक दे दिया स्वाद अनुसार। इसको खाली तड़का लगाना है। कितना सुंदर कलर भी आया है देखिए। जब नारियल घर में नहीं रहे तो अगर चटनी करने का मन करे तो ऐसी घर में सिंगदाना हो या चना रहे तो इससे कर सकता है। एक टमाटर देने से कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा खट्टापन भी रहेगा, अच्छा लगेगा। अभी तड़का लगा के दिखाती हूँ। अभी कढ़ाई रख दिया है मैंने, और ये कप का एक कप पानी दे रहा है और थोड़ा सा पानी देता है। वन एंड हाफ कप पानी दिया है। गोली इडली के लिए मुझे बैटर तैयार करना है, और इसमें एक चम्मच घी देना है। स्वाद अनुसार नमक भी देना है। एक चम्मच नमक भी है। अभी पानी उबल जाने से इसमें चावल का आटा भी देना है। पानी उबल रहा है और इसी का पूरा एक कप आटा लिया है, चावल का आटा, उसको इसमें मिक्स करना है। गैस को बंद कर दिया है। अभी इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। देखिए एक तो सॉफ्ट एक तो डो बना लिया है। अभी इसको बॉल करना है, छोटा छोटा करके बॉल करने होंगे। गोली इडली बन रहा है तो बॉल बनाना ज़रूरी है। देखिए ऐसी बॉल बनाना है, एकदम सॉफ्ट। पूरा बैटर जैसे करके एक एक करके बॉल बनाने होगा पूरा। एक कढ़ाई रख दिया है, पानी भी गर्म करने के लिए रखा है। इसको स्टीम करना है। देखिए ऐसी बॉल बनाया, पूरा रसगुल्ला जैसा लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। इसको स्टीम करना है 15 मिनट्स के लिए, ढक देता है।
कुछ भारी चीज़ उसके ऊपर देना है। एकदम टाइम से 15 मिनट्स के लिए रखना है। 15 मिनट्स हो गया है, अभी दिखता है गैस को बंद कर देता है। देखिए गैस बंद कर दिया, पूरा हो गया है एकदम बिल्कुल रसगुल्ला जैसा ही लग रहा है। अब इसको तड़का लगाना बाकी है। तड़का लगाने के लिए एक पैन रख दिया है और 1 टीस्पून घी दे रहा है। हाफ टी स्पून इधर मस्टर्ड सीड दे रहा तड़का के लिए। तीन ग्रीन चिली लिया, उसको थोड़ा बीच से काट दिया। कड़ी पत्ता दे दिया। कितना नरम हुआ देखिए, एकदम स्पंजी हुआ है। अभी सब कुछ तड़का लगाना है। अच्छे से मिक्स करना है तेल के साथ और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक भी देना है। कोरिएंडर लीव भी दे देगा ऊपर से। हाफ टी स्पून नमक दे रहे हैं, स्वाद अनुसार देना। ये ऑलरेडी इसमें नमक है। ऊपर से थोड़ा वाइट तिल दे रहा है। हल्का सा रोस्ट करना है तिल को भी ऊपर से। चटनी में तड़का लगाने के लिए एक पैन रखा है छोटा सा और 1 टीस्पून राई दे दिया है। गर्म हो गया, गैस को बंद करके दो रेड चिली दिया और कड़ी पत्ता दे दिया। इसको सब चटनी में तड़का लगाने से तभी अच्छा लगता है।
अभी प्लेटिंग करके आप दिखाती हूँ। केरला का कुंजी पत्री गोली इडली या राइस बॉल तैयार हो गया है। इसको अभी खाने के लिए एकदम रेडी है। देखिए इतना स्पॉन्जी हुआ और चटनी के साथ कितना मज़ा आएगा ऐसे करके खाने का। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।